بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبت الأودية ونهبها

के सफ़र में बुलंदी पर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना चाहिए इसी तरह जब उतरें तो फिर सुबहान अल्लाह कहना चाहिए अन जाबिर रजी अल्लाह कौलकुन्ना इज़ा सदना कब्बरना व इज़ा नजलना सब बहना हज़रत जाबिर रजी अल्लाह से रिवायत है कि जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर और जब नीचे उतरते

सीढ़ी पर चढ़ते वक्त भी अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए व इजा नज़ल न सब बहना तो इससे यह मालूम हुआ कि नीचे उतरते वक्त अल्लाह पढ़ना चाहिए मतलब ये कि दुनिया में बुलंदी के बाद पस्ती आ गई ये पस्ती भी बुलंदी के मुकाबले में एक तरह का ऐब है मगर जल्ला शाह की ताकद हर किस्म के अयूब से पाक है इस तरह इस वक्त में सुबहान अल्लाह कह कहकर जुबान से भी इसका इकरार किया जाए कि हर चीज़ में बुलंदी के बाद पस्ती है लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो बुलंद और बाला है और इसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا سنايا كبروا واذا هبطوا سبحوا رواه ابو داود باسناد صحيح

इसका मतलब है उतरना तो इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब कराम का यह अमल बताया गया कि जब वो बुलंद जगह पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते कि इन सब चीज़ों की बुलंदी कुछ नहीं अल्लाह जल्ला शानू ही सबसे आला और अरफा है इसी तरह जब वो नीचे उतरते तो फिर सुबहान अल्लाह कहते कि अल्लाह हम तेरी तनजी और तकदीस बयान करते हैं कि तेरे अंदर बुलंदी ही बुलंदी ही तो आप, आप इस तरह से करते तो इसे सफर का एक अदब भी मालूम हुआ कि बुलंद जगह पर चढ़ते हुए ये पढ़ना चाहिए इसी तरह जब किसी इलाके में उतरे तो सुबहान्ला कहना चाहिए وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على سرجة أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون

फिर ये पढ़ते अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं वो अकेला है इसका कोई शरीक नहीं इसके लिए और तारीफे हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है, हम लौट कर आने वाले, तोबा करने वाले इबादत करने वाले सजदा करने वाले और अपने रब की तारीफ करने वाले हैं अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिया अपने बंदे की मदद फरमाई और कुफार के लश्करों को इसने अकेले ही शिकस्त दी। तो, तो, तो अल्लाह अकबर कहते जैसे कि हमने पहले भी कहा लेकिन यहाँ पे है कि तीन बार अल्लाह अकबर कहते और जब नीचे उतरते सो

हुआ दालु साकिना हुआ छोटे लश्करों या हज या उमरे से लौटते तो मस्कूरा दुआ पड़ते बुलंद जगह पर चढ़ना और फद फद

إني أريد أن أسافر فأوصيني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ظل الرجل قال اللهم اتفل اللهم له البعد وهب عليه السفر رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرة ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے وہ कि या रसूल अल्लाह में सफर में जाने का इरादा रखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। आपने इर्शाद फरमाया अल्लाह के तकवे को लाजिम पकड़ो और हर चढ़ाई पर अल्लाह अकबर कहो जब वो आदमी पीट फेर कर चला गया तो आपने इसके लिए दुआ फरमाई ए अल्लाह इसके लिए सफर की दूरी को लपेट दे और इस पर सफर को आसान फरमा दे ने इसको रिवायत किया और फरमाया ये हदीस हसन है शर्फ का मतलब है बुलंद मकाम, बुलंद कोई जगह तो इसके जवाब अशराफ आती है इस हदीस में यह है कि सहाबी ने आप अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ तो आप मुझे कोई वसीयत कीजिए तो लमा फरमाते हैं कि मुसाफिर का सफ़र करने से पहले

तो आप ने इसलिए फरमाया, आप वसल्लम ने खास करके सफर में अल्लाह की अत्यात और तक सफर में इसका और ज्यादा हो यानी इसमें कमी ना आए तो आपके लिए दुआ की तो इससे मालूम हुआ आपके पास आए मुसाफिर और उसके बाद आप उसके लिए कोई दुआ भी करें तो ये भी सुनत है وعن أبي موسى شري رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي جي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على بعد، هللنا، وكبرنا، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي جي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما. हज़रत अबू मूसा अशर रन से रिवायत है कि हम एक सफ़र में आप वसल्लम के साथ थे हम किसी वादी पर चढ़ते तो अकबर कहते हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती इस पर आपसाद फरमाया अपने ऊपर आसानी करो इसलिए कि तुम जिसको पुकार रहे हो ना वो बहरा है वला इन्ना इन्ना और ना वो है बेशक वो तुम्हारे साथ है बेशक शान ये है कि वो सुनने वाला और करीब इरबाउ अरफोबिक पर जेर बमाना अपनी जानों के साथ आसानी करो इस फरमाया कि जब हम किसी बुलंद जगह पे जाते तो हम अल्लाह अकबर वगैरह पढ़ते तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती और ज़रूरत से जायद ही बुलंद हो जाती होंगी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि अपने आप को मुशक्क़त में मत डालो बल्कि वक़ार और सकून से मतदल आवाज़ में कहो तो इससे इमाम नबी रही ने जो बाप कायम किया था कि अल्लाह अकबर वगैरह कहते वक्त आवाज़ों को दरमिया रखें यह साबित हुआ कि आवाज़ों को बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं करना चाहिए इन्ना माकू मन्ना हो समीन करीब अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और वह यकीन सुनने वाला और बहुत नज़दीक है यही मजमून कुरान करीम की इस आयत में भी मौजूद है व इज़ा सा इबादी अन्नी फ़ा करीब कि जब बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो बुलंद आवाज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्यूँकि जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं अल्लाह को सुनाते हैं तो अल्लाह तो बहुत ही हल्की आवाज भी सुन लेता है तो इसे मालूम हुआ बुलंदी पर चढ़ते हुए या नशेबी पर आते हुए अल्लाह पर सुबह अल्ला वगैरह कहा जाएगा तो इसमें आवाजों को ना रखा जाए उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा जिसमें सफर के आदाब बताए गए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तोफी कता फरमाए असल वरम्ला